मैं सिर्फ 20 मिनट में उनकी तकलीफ दूर कर दूंगा। आखिर सुनील गावस्कर ने विराट कोहली की किस तकलीफ को दूर करने के बारे में कहा है, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो, एंड तक जरूर से देखिएगा। और क्रिकेट और आईपीएल की हर अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अविश्वसनीय उपलब्धियां हासिल की है। 33 साल की उम्र में उनकी तुलना क्रिकेट के इतिहास के महानतम खिलाड़ियों से होने लगी है, लेकिन मौजूदा समय में उनका फॉर्म रूठ चुका है। पिछले 2 साल से वो फॉर्म में नहीं है। कभी आंख मीच कर भी शतक जड़ देने की काबिलियत रखने वाला ये खिलाड़ी एक एक रन का मोहताज हो जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। तमाम क्रिकेट फैंस और दिग्गज उनके फॉर्म को लेकर चिंतित हैं। इसी बीच पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कहा कि वो विराट कोहली के 20 मिनट बातचीत में ही उनकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जी हां, उनको विराट की 20 मिनट चाहिए। विराट के लिए साल 2022 बेहद खराब रहा है, जहां पर इस साल उन्होंने आईपीएल से लेकर इंटरनेशनल क्रिकेट तक कोई भी बड़ी पारी नहीं खेली। आईपीएल में हालांकि 73 रन की पारी आई थी एक मैच में, लेकिन उसके अलावा कोई भी बड़ी पारी नहीं आई। ऐसे में उनकी प्लेइंग 11 में जगह को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। कई दिग्गज ने विराट कोहली का इस मामले में सपोर्ट किया है, जिसमें सुनील गावस्कर का नाम भी शामिल है। स्पोर्ट तक से बातचीत करते हुए विराट के बारे में चर्चा करते हुए पूरे बल्लेबाज का कहना है कि वो 20 मिनट की मुलाकात में विराट कोहली की सभी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। गावस्कर ने कहा कि एक ओपनर होने के नाते मुझे भी ऑफ स्टंप की परेशानी हुई है। ऐसे में कुछ चीज़ें हैं जो आप कोशिश कर सकते हैं कंट्रोल करने की। अगर आप मुझे 20 मिनट विराट के साथ मिलते हैं तो मैं उसे बता सकता हूं कि उसकी क्या प्रॉब्लम है। विराट कोहली के बल्ले से साल 2019 के बाद से कोई भी शतक नहीं आया है, और ऐसे में खेल का चाहे कोई भी फॉर्मेट हो, विराट अपनी काबिलियत के मुताबिक प्रदर्शन करते हुए नजर नहीं आए हैं। खासकर उनके पसंदीदा प्रारूप टेस्ट में भी उनका सबसे बुरा हाल है। हालांकि दोस्तों, साल 2022 से पहले वे लगातार अर्च तक जमा रहे थे, लेकिन अब वो भी मुमकिन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हाल ही में इंग्लैंड दौरे पर विराट ने बेहद निराश किया है। इस दौरे पर 2 T20 में उन्होंने सिर्फ 12 रन बनाए और 2 वनडे मैचों में संयुक्त रूप से उन्होंने 38 रन बनाए हैं। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको बता दें कि विराट कोहली टीम इंडिया के साथ वेस्टइंडीज दौरे पर नहीं जाएंगे, जहां पर टीम को 3 वनडे और 5 T20 मैच खेलने हैं। जानकारी के मुताबिक विराट ने खुद इस दौरे से ब्रेक मांगा था, अब वो सीधा एशिया कप में वापसी करेंगे, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त से तय की गई है। विराट और उनके तमाम फैंस को इस टूर्नामेंट में उनके लय में लौटने का इंतजार रहेगा, क्योंकि विश्व कप 2022 के लिहाज से विराट का फॉर्म में लौटना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, आपके हिसाब से क्या विराट का फॉर्म वर्ल्ड कप से पहले आ पाएगा या फिर नहीं, इस पर आप अपनी राय जो है ज़रूर दें। और इसी तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।